ऐतिहासिक विरासत को सहेजे ग्वालियर नगर की गौरवशाली सांस्कृतिक परंपरा रही है। संगीत, नृत्य, नाट्य और चित्रकला के क्षेत्र में इस अंचल का नाम विश्व पटल पर नक्षत्र के समान दैदीप्यमान है। ये नगरी संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा जैसी महान विभूतियों की साधना स्थली रही है। यहाँ के समृद्ध इतिहास में महाराजा मानसिंह तोमर का काल संगीत एवं कला की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है। इस सांस्कृतिक परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए ही मध्य प्रदेश शासन ने 19 अगस्त 2008 को ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय की स्थापना की। सुदृढ़ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ओतप्रोत इस शहर में मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दृश्य, श्रव्य एवं प्रदर्शनकारी कलाओं पर केंद्रित विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना अत्यंत गौरवपूर्ण एवं सम्मानजनक है। विश्वविद्यालय में इन समस्त कलाओं का प्रशिक्षण पारंपरिक एवं आधुनिक शिक्षण पद्धतियों द्वारा दिया जाता है। साथ ही गायन की प्राचीनतम विधा ध्रुपद गायन के प्रशिक्षण हेतु भी विश्वविद्यालय के अंतर्गत ध्रुपद गायन का पूर्णकालिक प्रशिक्षण गुरु शिष्य परम्परा पद्धति द्वारा दिया जाता है। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का यह संगीत विभाग है। इसमें मैं प्रोफेसर रंजना टोनपे, मैं ये गायन विभाग की विभागाध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में बीए और बीपीए ये कोर्स चलते हैं, साथ ही एमपीए तथा एमए जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज चलते हैं। इसके साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेस है वो हमारे सर्टिफिकेट 1 ईयर, डिप्लोमा 1 ईयर और एडवांस डिप्लोमा 1 ईयर ये चलता है। इन कोर्सेस के साथ ही यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ग्वालियर घराने की गायकी और साथ ही बनारस घराने की गायकी सिखाई जाती है। यहाँ पर गांव से लेकर शहर तक के बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अच्छे जगहों पर नौकरी पाते हैं। हमारे यहाँ से 3-4 GRF हुए हैं, साथ ही कुछ विद्यार्थियों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय ऐसी जगहों पे उनको जॉब मिली है। यहाँ का जो स्टाफ है इसके साथ ही हमारे संगतकार है जो कि मेरे अंडर 6 संगतकार है, जिसमें पखावज, तबला, हारमोनियम, साथ ही हमारे यहाँ स्वर वाद्य और अवनद वाद्य जो कि तबला है इसके भी हमारे यहाँ प्रोफेसर है। गिटार के डॉक्टर सुनील पावगी जी है, उसमें भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाता है और तबले में भी बीए, बीपीए तथा एमए, एमपीए की शिक्षा ग्रहण की जाती है। वर्तमान समय में संगीत, नृत्य, नाट्य एवं चित्रकला विषयों ने मात्र मनोरंजन विषयों की परंपरागत अवधारणा से हटकर पूर्ण व्यावसायिक स्वरूप को प्राप्त किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी वर्तमान में नाट्य एवं रंगमंच संकाय में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। एमपीए, बीपीए, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा और पीएचडी, इन समस्त विधाओं को, इन समस्त पाठ्यक्रमों को मिलाकर आज हमारे बीच 104 बच्चे हैं जो देश के भिन्न भिन्न राज्यों से आए हैं। बॉडी, वॉयस और माइंड, शरीर के अंतर्गत हम इनको योगा, गतका, थांगता, मणिपुरी मार्शल आर्ट, ताइची, चाइनीज वेजिटेटिव आर्ट फॉर्म इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और साल भर हम इसकी कार्यशालाएं लगवाते हैं। हम इनकी पाठ्यक्रम को इस सुविधा के अंतर्गत करते हैं जिसमें हम इनके 3 डायमेंशन पर काम करते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम का भी हम प्रशिक्षण साथ साथ प्रदान करते हैं जिससे हमारे बच्चे अन्य कलाओं में भी उसी ढंग से सक्षम हों जो हमारे नाट्य विधा में हो सके। इसके साथ वॉइस एंड स्पीच के तहत संवादों की अदायगी, शब्दों का उच्चारण और अन्य भाव किस तरह से संवादों से लाना है और रंग संगीत का भी हम उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। साहित्यिक स्तर पर हम इनको अधिक से अधिक कहानी लेखन, नाट्यों की परंपराएं, भारतीय नाट्य साहित्य, पाश्चात्य नाट्य परंपरा
भारत की अभिनय तकनीक, पाश्चात्य अभिनय तकनीक, लोक नाट्य परंपरा, संस्कृत रंगमंच इत्यादि जितने भी विविध विषय हैं उन सबका विस्तृत अध्ययन कराते हैं। हमारे द्वारा जो तैयार नाटक हैं वो जोनल स्तर पर 3 से 4 बार विजयी रहे हैं, स्टेट स्तर पर हम लोग 5 बार विजेता रहे हैं और नेशनल स्तर पर हम 3 बार विजयी रहे हैं, प्रथम स्थान हम लोगों ने प्राप्त किया है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो छात्र है, जो हमारा नाट्य का कलाकार है, उसको सभी विधाओं से विधिवत परिचित कराया जाए, उसका उत्कृष्ट लेवल पर अध्ययन हो और प्रयोग के साथ जो साहित्यिक दृष्टि है उस पर भी हम बराबर ध्यान रखते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हमारे विभाग का छात्र हिंदुस्तान के जितने भी अन्य रंग जगत के इंस्टीट्यूट हैं उनसे हम अच्छा और बहुत अच्छा कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। I am Dr. Gauripriya Somanath, an assistant professor at Raja Mansingh Tomar Music and Arts University, Gwalior, Madhya Pradesh. Here at the Department of Bharatanatyam, we have several courses like certificate, diploma, advanced diploma, bachelor and masters. And also we have certificate course in Carnatic music also. Around 30 students are here in our department from all over India. And for the past 3 years, regularly we conduct seminars, workshops and performance at our department. And yearly festival called Nritya Pravah every year on the occasion of World Dance Day. And many great artists such as Padma Bhushan Saroja Vaidyanathanji from Delhi, Sri Chijit Krishna Kalakshetra from Chennai, Sri Kapil Sharma from Delhi, and Ritesh Babu from Bilai. Such many gurus and artists have visited our faculty. It's my pleasure to say that my students give performance all over India. They have performed in many prestigious festivals such as Taj Mahotsav Agra, Ojas Festival Bangalore, Nritya Nirtadi Festival Bilai such as. I believe that the hard work and sincerity of my students will make our department more strong, and I also the well wish and inspiration of our teachers and faculty will support my students always. Thank you. Namaskar, mera naam Anjana Jha hai. Main Kathak Nritya Vibhag mein Associate Professor, Head of the Dance Department के पद पर कार्य कर रही हूँ। मध्य प्रदेश के इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे अपनी सेवा देने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अपने गुरुजनों और ईश्वर की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने छात्र छात्राओं के साथ जो काम किया है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जब मैं आई थी तो बच्चों की इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, आज 3 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं मुझे, यहाँ पर छात्रों की भी संख्या बढ़ी है और छात्राओं को भी, और वो दोनों में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अकेडमिक्स के साथ साथ इन छात्रों के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा के जो संस्कार होने चाहिए वो भी हैं इन छात्र छात्राओं के अंदर, और इनकी परफॉर्मेंस में भी बहुत इम्प्रूवमेंट है। इन 3 वर्षों के दौरान बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाया है विभाग, जो है प्रदेश के अलावा अन्य स्टेटों में भी जाके परफॉर्मेंस अपनी दे रहा है। आज ये वर्तमान की स्थिति है कि छात्र छात्रा अपने भी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही क्रिएशन के साथ में खुद भी नृत्य संवेशनाएँ भी बनाते हैं और विभिन्न विभिन्न तालों में जो पारंपरिक शैली है उसके माध्यम से वो अपने नृत्य की प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पारंपरिक विषयों के साथ ही इन नवीन व्यवसायिक विषयों जैसे फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन आदि के अध्यापन की सुविधा भी उपलब्ध है। तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय जो कि अपने संगीत और कला के क्षेत्र के लिए पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ भारत में भी जाना जाता है, इसमें ललित कला संकाय के अंतर्गत सन 2016 में फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स की शुरुआत की गई, जिसमें बी डिज़ाइन डिग्री कोर्स 4 ईयर्स का स्टार्ट किया गया। उसके साथ साथ 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स फैशन डिज़ाइनिंग में भी शुरू किया गया। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में करीब 25,000 स्टूडेंट्स इस कोर्स का लाभ ले रहे हैं। इस कोर्स के अंतर्गत 4 सब्जेक्ट्स जो मेन होते हैं, फर्स्ट इज जिसमें इलस्ट्रेशन, जिसमें हम स्केचिंग बारीकियां फिगर्स की डिज़ाइनिंग की सिखाते हैं। सेकंड इज पैटर्न मेकिंग, जिसके अंतर्गत जो डिज़ाइनिंग की जाती है उसको कैसे उसके पैटर्न्स डेवलप करने हैं
उसके बारे में सिखाया जाता है। एंड थर्ड इज़ गारमेंट कंस्ट्रक्शन, जिसके अंतर्गत सिलाई की तकनीकियाँ विभिन्न मशीन के बारे में सिखाया जाता है। और फोर्थ इज़ इसका कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर युग है, इसमें डिजिटल पोर्टफोलियोज़, हाउ टू मेक द पोर्टफोलियोज़, किस तरीके से बनाना है, वो सारा कुछ इसमें फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन में सिखाया जाता है। मेरा नाम आशीष गोगरिया है, मैं यहाँ पे एनिमेशन का गेस्ट फैकल्टी हूँ। एनिमेशन यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से चल रहा है, और एनिमेशन के अंदर हम 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन के बारे में बताते हैं। ये फाइन आर्ट फैकल्टी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट में 2D एनिमेशन में हम इमेज एडिटिंग, स्टोरी बोर्ड और 2D एनिमेशन की जानकारी देते हैं। 3D एनिमेशन के अंदर हम मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग और एनिमेशन के बारे में बताते हैं। एनिमेशन अपने आप में पूरा एक बंच है, जिसमें 8 से 9 विधाएं होती हैं। इसमें मॉडलिंग है, टेक्सचरिंग है, लाइटिंग है, एनिमेशन है, रिगिंग है, स्किनिंग है, डायनामिक्स है, और रेंडरिंग के 2 प्रोसेस हैं, जिसमें इमेज रेंडरिंग और वीडियो रेंडरिंग है। यहाँ पर अभी तक पिछले 10 सालों में जितने बच्चे पढ़ने आए हैं, उसमें से 90% बच्चों की जॉब लग चुकी है, और वो अच्छी अच्छी कंपनी पर जॉब कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि ये एनिमेशन डिपार्टमेंट अच्छे से अच्छा चलता रहे। थैंक यू सो मच। प्रदर्शनकारी कलाओं पर केंद्रित मध्य प्रदेश का यह एकमात्र विश्वविद्यालय है जो संगीत, नृत्य, नाट्य, ललित कला विषयों के प्रचार प्रसार एवं अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में किए जा रहे क्रियाकलापों के माध्यम से समग्र एवं सर्वांगीण विकास हेतु सतत प्रयासशील है। मैं डॉक्टर सुनील कौबी, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर गिटार के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा सिलेक्शन दिसंबर 2015 में यहाँ पर हुआ था। उससे पूर्व यहाँ पर स्वरवाद्य विभाग स्थापित नहीं था। मेरे आने के बाद स्वरवाद्य विभाग प्रारंभ हुआ, और उसमें हवाई गिटार और सितार और शास्त्रीय संगीत सिखाने की शुरुआत हुई। तब से मैं निरंतर बच्चों को शिक्षा दे रहा हूँ, और मेरे पास लगभग 30 विद्यार्थी इस समय गिटार और सितार सीख रहे हैं। BBUs और MUs में तथा BA और MA में विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन विधाओं के अतिरिक्त हमारे सर्टिफिकेट कोर्स में हारमोनियम भी है, स्वरवाद्य, और इसमें कई स्टूडेंट्स डिप्लोमा, सीनियर डिप्लोमा तथा प्रवेशिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसमें मेरे एक विद्यार्थी ने नेशनल लेवल पर यूथ फेस्टिवल में तृतीय स्थान प्राप्त किया था, शिवम राव जिस विद्यार्थी का नाम है। और विश्वविद्यालय में अब जो शैक्षिक वातावरण है उसमें स्वरवाद्य भी शामिल हो गया है, और स्वरवाद्य को सीखने के लिए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से विद्यार्थी आ रहे हैं, जिसमें बाहर से बहुत से विद्यार्थी हैं, और मध्य प्रदेश के बाहर से भी विद्यार्थी यहाँ पर स्वरवाद्य की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष करवड़े, सहायक प्राध्यापक राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के तबला विभाग में। मेरे साथ सारंगी संगीतकार के पद पर श्री अब्दुल अमित खान क्लास में हैं। तबला विभाग में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के साथ साथ डिप्लोमा स्तर की कक्षाएं संचालित हैं, जिसमें मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों के भी विद्यार्थी यहाँ प्रवेश लेकर तबले का विभिन्न कोर्सों के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तबला विभाग की गतिविधियों में विभाग में 2015 में प्रख्यात तबला वादकों के वरिष्ठ तबला गुरुओं के छाया चित्रों का अनावरण यहाँ भातखंडे संगीत विद्यापीठ के माननीय कुलपति जी विदुषी श्रुति साडोलीकर जी द्वारा किया गया था। विभाग में वो छायाचित्र स्थापित हैं। उन छायाचित्रों की विशेषता है कि छायाचित्रों के साथ उनके संबंध में, उन गुरुओं, कला गुरुओं के संबंध में परिचयात्मक भी टिप्पणियाँ लिखी गई हैं, जो कि छात्र छात्राओं के लिए एक ज्ञानवर्धन का विषय है। विभाग में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा कोर्सेज के साथ सहायक विषय सहित लगभग 50 विद्यार्थी तबला विषय का अध्ययन कर रहे हैं। विभाग के गत 2 दीक्षांत समारोह में विभाग के 2 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं, जिसमें बुद्धिमान शर्मा MA के लिए और अनूप कुशवाहा MS के लिए। इसी दीक्षांत समारोह में कुशवाहा को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। विभाग के विद्यार्थी समय समय पर एकल तबला वादन एवं समूह तबला वादन की प्रस्तुतियों के साथ साथ अन्य विभाग, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर आदि विभागों द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उसमें तबला, ढोलक, पखावज एवं अन्य वाद्य यंत्रों के साथ
संगति भी हमारे विभाग के विद्यार्थी कुशलतापूर्वक करते हैं। अनेक कार्यक्रमों में, युवा उत्सवों में और विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में तबला विभाग का सहयोग प्राप्त होता है। तबला विभाग धीरे धीरे अपनी प्रगति के मार्ग पर है और आप सभी के सहयोग से यह विभाग उत्तरोत्तर उन्नति करेगा और इस विभाग के विद्यार्थी अपने साथ साथ संस्था का और अपने कला का, अपने गुरुओं का और अपने परिजनों का नाम रोशन करेंगे, ऐसी शुभकामनाएं। वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश में विश्वविद्यालय के अंतर्गत लगभग 150 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं, जिनके माध्यम से संगीत, नृत्य, नाटक एवं चित्रकला विषयों के लगभग 20,000 से अधिक विद्यार्थी प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संगीत एवं कला विषय साहित्यिक एवं प्रायोगिक दोनों महत्वपूर्ण पक्षों पर आधारित होते हैं। विश्वविद्यालय में समस्त संबंधित विषयों का साहित्यिक एवं प्रायोगिक पक्षों पर आधारित संतुलित अध्यापन कार्य श्रेष्ठ एवं योग्य शिक्षकों द्वारा किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का चहुमुखी एवं सर्वांगीण विकास हो सके। नमस्कार, मैं स्वराज रावत, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं यहाँ ड्रामा एंड थिएटर डिपार्टमेंट का छात्र हूँ और फिफ्थ सेम में अभी पढ़ रहा हूँ। शुरुआत में ट्वेल्थ के बाद मुझे लगा मुझे थिएटर करना चाहिए, तो यहाँ राजा मान सिंह तोमर के बारे में पता पड़ा, फिर हमने यहाँ एडमिशन लिया। तो शुरू में आया तो हमें यहाँ का माहौल थोड़ा सा समझ में नहीं आया, फिर धीरे धीरे यहाँ के माहौल में हम ढलना शुरू हुए, फिर थिएटर हमने स्टार्ट किया। तो पहले लगता था कि थिएटर में पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है, एक्टिंग ही तो करनी है, लेकिन अब धीरे धीरे पता चल रहा है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कि मतलब उसके दिमाग की क्रिएटिविटी भी खुलती है, तो अच्छा मतलब अच्छा मज़ा आता है हमको थिएटर करने में। अभी भी आज संडे है तब भी फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं, ये भी तो अच्छा लगता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रख्यात भटनागर, राजा मान सिंह तोमर कला एवं संगीत विश्वविद्यालय के संगीत संकाय का छात्र हूँ। यहाँ आकर मैं डॉक्टर पारुल दीक्षित मैम से अपना शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ और साथ ही सहायक विषय में मुझे तबले की शिक्षा श्री मनीष करबड़े जी से मिल रही है और मैं आज जो कुछ हूँ इस विश्वविद्यालय के द्वारा हूँ, इस विश्वविद्यालय के कारण हूँ। धन्यवाद। आई एम जागृति भट्टागर, स्टूडेंट ऑफ भरतनाट्यम, कंप्लीटेड माई मास्टर्स डिग्री इन भरतनाट्यम सब्जेक्ट। आई एम डिसिपल ऑफ गौरीप्रिया सोमनाथ मैम। आई थिंक डांसिंग इज माई पैशन एंड परफेक्शन इज माई गुरुज वर्ड विच रीचेज टू सुप्रीम रियलिटी और गॉड। शी टॉट अस नृत्य, अभिनय एंड नाट्य पार्ट। Here the environment we get is of good vibes. Here everyone can pursue their subject in whatever field they want. Thank you. मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, वर्तमान में मैं नाट्य रंगमंच संकाय में कार्यरत हूँ, लेकिन अभी PhD का प्रभार भी देख रहा हूँ। वर्तमान में PhD डिपार्टमेंट अपने समस्त क्रियाकलाप संचालित कर रहा है और वर्तमान में हमारे पास लगभग 113 शोधार्थी हैं जो हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न कोनों से हैं, अलग अलग राज्यों से अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे बीच 9 GRF स्कॉलर हैं और लगभग 5 से अधिक SRF स्कॉलर हैं जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ PhD की जितनी भी नियमित जो गतिविधियां हैं हम उनको संचालित करते हैं, जैसे प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद हम 6 monthly PhD कोर्स वर्क करवाते हैं जो नियमित, जिसमें क्लासेस लगती हैं, उनमें हम विषय विशेषज्ञ बुलाते हैं, एक्सपर्ट बुलाते हैं उनके साथ साथ, और जो विषय से संबंधित उनको जानकारी हम अध्यापन कराते हैं। इसके बाद वार्षिक प्रगति यात्रा होती है जो साल में हम एक बार करते हैं, हमारे स्कॉलर्स का जो काम रहा है उसकी वो प्रेजेंटेशन PPT और वीडियो के माध्यम से एक्सपर्ट के समक्ष रखते हैं और उसमें वो बहुत सारे सजेशंस भी देते हैं कि आप इस ढंग से अपने शोध को ले जा सकते हैं या उसमें कुछ कमियां हो या कुछ त्रुटियां हो तो उनको बताने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ वर्ष में हम PhD सेल की तरफ से अधिक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं और पिछले वर्ष हमने कई सेमिनार कॉन्फ्रेंस आयोजित की जिसमें बहुत विद्वान श्रेणी के, उच्च कोटि के कलाकार और विद्वान लोग थे, वो आए, उन्होंने अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। और इसके साथ साथ एक और हमारी उपलब्धि है जिसमें विश्वविद्यालय का प्रथम पब्लिकेशन कला स्वरांग एक रिसर्च जर्नल है जो 6 month के में प्रकाशित होता है और इसका प्रकाशक जो केंद्र है वो हमारा PhD सेल ही है।
और इस ढंग से हम पूरे अपने पीएचडी सेल को वाईफाई के साथ साथ अन्य यूजीसी की जितनी गाइडलाइन है उनको फॉलो करके अच्छा कार्य करने का प्रयत्न कर रहे हैं और पीएचडी हमारा दिन प्रतिदिन उत्कृष्टता की ओर बढ़ रहा है। धन्यवाद। हमें पूर्ण विश्वास है कि विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठतम उपलब्धियां प्राप्त कर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करेंगे।